वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीएबीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2021 में पूछे गए हैं, आपके इस वर्ष भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इसका पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में भी जोड़े जाते हैं और इस सब्जेक्ट से आपके परसेंटेज में भी सुधार हो जाता है। तो आप इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी जरूर करके जाएं। तो आइए हम फटाफट से सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, यहाँ पर किसी एक पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ पर देखिए, आपको इनका किसी एक पर जीवन परिचय लिखना होता है। ये आपका 20 अंक का होता है। यहाँ पर राजाराम मोहन राय है, होमी जहांगीर भाभा है, मदन मोहन मालवीय है। यहाँ पर राजाराम मोहन राय, होमी जहांगीर भाभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपको जरूर याद करके जाने हैं, प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर किसी एक पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है मेरा प्रिय ग्रंथ, दूसरा दिया गया है पर्यावरण संरक्षण और युवा पीढ़ी, तीसरा दिया गया है यहाँ पर जनसंख्या संसाधनों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, चौथा दिया गया है यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार से निबंध पूछे जाते हैं, आप इन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह आपका 30 अंक का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर तीसरा दिया गया है अच्छे पत्र की विशेषताएँ लिखिए। यह अथवा में पूछा गया है, किसी समाचार पत्र के संपादक को नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रारूपण और टिप्पण में अंतर लिखिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको जरूर याद करके जाना है। नेक्स्ट दिया गया है अथवा में है, यहाँ पर किसी सरकारी पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर टिप्पण की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद करके जाना है। अथवा में दिया गया है कॉलेज में छात्र संघ निर्माण के लिए प्राचार्य को लिखे गए आवेदन पत्र में छात्र संघ प्रभारी प्राध्यापक की टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर किन्हीं 5 शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अनुग्रह दिया गया है। अनुग्रह में यहाँ पर ग्रह में गलती दी गई है, गे के नीचे यहाँ पर यह गलत दिया गया है, जबकि गे के नीचे यहाँ पर रे की छोटी ये मात्रा आती है, इस प्रकार से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अनाधिकार, देखिए अनाधिकार यहाँ पर गलत दिया गया है। अनाधिकार में जो मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर ने के आगे जो है आ की मात्रा दी गई है, जबकि यह नहीं होती है, वह अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। उज्ज्वल यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ज्योत्सना यहाँ पर आधा से आएगा, छोटा से जो है वह आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। दृश्य में जो है शेषल जम वाला आधा से आता है, यहाँ पर शे षटकोण का दिया गया है, जबकि वह शे इस प्रकार से आता है दृश्य में। पुरस्कार है, पुरस्कार में यहाँ पर पुरस्कार होगा, रे पे ऊ की मात्रा हटा देंगे रे पर से, तो यहाँ पर पुरस्कार सही हो जाएगा। वरिष्ठ दिया गया है, वरिष्ठ में यहाँ पर वरिष्ठ आएगा, टे की जगह वह हो जाएगा ठे। मिष्ठान दिया गया है, मिष्ठान में ठे की जगह टे हो जाएगा, मिष्ठान होता है। सन्यासी है, सन्यासी में एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए सन्यासी में यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक दी गई है, से के ऊपर एक अंकी बिंदी आती है जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। स्रोत है, स्रोत में यहाँ पर से के नीचे रे की मात्रा आती है और स्रोत इस प्रकार से बनता है, जबकि यहाँ पर ये गलत दिया गया है स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इन 5 वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है बाण उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पर देखिए गलती कहाँ है, गलती है यहाँ पर शस्त्र में। बाण उपयोगी शस्त्र नहीं होता है, बाण उपयोगी अस्त्र होता है, तो इसका राइट होगा बाण उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर रमाशंकर नित्य गाने की कसरत करता है, तो यहाँ पर गलती दी गई है यहाँ पर कसरत में। देखिए गाने की कभी कसरत नहीं होती है, गाने का अभ्यास होता है, तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर रामाशंकर नित्य गाने का अभ्यास करता है। नेक्स्ट यहाँ पर घोड़ा जोर से चिल्ला रहा था, तो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा घोड़ा जोर से हिनहिना रहा था, यहाँ पर चिल्ला रहा था, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है एक फूलों की माला भगवान पर चढ़ा दो, इसका सही हो जाएगा यहाँ पर एक फूल माला, देखिए फूल माला भगवान पर चढ़ाते हैं, फूलों की माला नहीं, एक फूल माला भगवान पर अर्पित कर दो, इस प्रकार से यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर वह, मैं और तुम फिल्म देखने चलेंगे, यहाँ पर वह सुर में नहीं आएगा, यहाँ पर मैं आएगा, तो ये इस प्रकार से सही होगा कि मैं तुम और वह, मैं तुम और वह फिल्म देखने चलेंगे, इस प्रकार से सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर चौकीदार पर चोरी होने की शंका है, तो यहाँ पर शंका में मिस्टेक दिया गया है, यह इस प्रकार से सही होगा चौकीदार पर चोरी होने का शक है, यहाँ पर शंका की जगह हो जाएगा शक।
नेक्स्ट दिया गया है मोहन महाकंजूस है, तो यहाँ पर मोहन बहुत कंजूस है हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है मोबाइल मेज पर डाल दो, तो यहाँ पर सही हो जाएगा मोबाइल मेज पर रख दो, डालने की जगह यहाँ पर हो जाएगा रख दो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ व्यापारियों ने कोरोना काल में बहुत रुपए कमाए, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कुछ व्यापारी ने कोरोना काल में बहुत रुपए कमाए। नेक्स्ट दिया गया है श्याम सज्जन आदमी है, तो यहाँ पर सज्जन आदमी नहीं होता है, केवल सज्जन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम सज्जन है, यहाँ पर आदमी हटा देंगे। तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से ही आपका बेस मजबूत होता है, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को भली भांति ज़रूर पढ़कर जाएं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।